मेहनती था, उसने बताया हम खानसा से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था एक लड़के ने, खानसा ने 250 रुपए में पूरा कोर्स दे देते हैं और सरकार 500 रुपए में एग्जाम फीस लेती है और एग्जाम टाइम से नहीं कराती। खुद सोचो हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियाँ हमको मिलेगा, 250 रुपए की जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का था, लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाएगा क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज है, बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा, कौन एडमिशन देगा इसको, यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया फीस देगी, ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहाँ पे 60,000-70,000 रुपये फीस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर, इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है यहाँ पे। देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर में एक शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके कोई भी होंगे करीबी बच्चा है, इतना खुश नसीब है। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर कोचिंग का दरवाजा खुला है, लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है, अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा, इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए और ये भी एक बच्चा है इसका नसीब, इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे, लेकिन याद रखिएगा खान अभी जिंदा है, अब दरवाजे बंद हो जाएंगे फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे, कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा।